तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे आरजी सपोर्ट बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों ने अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसको आपने इंस्टॉल कर लिया अपने फ़ोन में, वो इंस्टॉल भी है बट आपको वो दिख नहीं रहा आपके फ़ोन में कि वो कहां पर है, ठीक है, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल किया है बट आपके वो स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना है, एक बार अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है। जैसे आप ऑन करोगे, इसमें भी काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होती है तब आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। तो एक बार आपको दोबारा से प्ले स्टोर पर आकर के उसी एप्लीकेशन को सर्च करना और यहाँ पर आपको देखना है कि ओपन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है या फिर नहीं। अगर ओपन का ऑप्शन दिया गया तो अभी हम कन्फर्म हो चुके हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल तो हो चुका है। अगर यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिया जाता है ओपन की जगह पर, तो आपको उसको डाउनलोड करना होगा पहले। तो अगर ओपन का ऑप्शन दिया जा रहा है बट आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तब आपको क्या करना वो भी समझिए। तो अब आपको सबसे पहले तो अपने फ़ोन की सेटिंग पे आना है और यहाँ पर आने के बाद अब आपको देखना है कि आपके फ़ोन में एप्लीकेशन हाइड तो नहीं किया गया। तो इसको चेक करने के लिए आपको आना है फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड, इसके अंदर आ जाना है और ऐप इंक्रिप्शन के अंदर आपको आ जाना है, प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन। फिर आपको अपना जो प्राइवेसी लॉक है वो आपको डाल करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। फिर अब आपको यहाँ पर हाइड ऐप के अंदर आना और यहाँ पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी एप्लीकेशन आपने हाइड किए होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर हिडन जीरो ऐप से दिखा रहा है आपका, यहाँ पर दिखाएगा जितने भी ऐप्स हाइड होंगे। तो आप जो आपका ऐप हाइड होगा उसके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये इनेबल रहेगा, ये इस पर टिक लगा रहेगा, कुछ इस तरीके से ये ऑन रहेगा, तो आपको इसको ऑफ कर देना है अगर कोई आपको एप्लीकेशन मिलता है तो। अगर आपका यहाँ पर नहीं मिलता है तब आपको क्या करना वो समझिए। तब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आना है, एप्लीकेशन एंड परमिशंस के अंदर आपको आ जाना है। फिर आपको आना है ऐप मैनेजर में। जैसे ही आप ऐप मैनेजर में आते हो उसके बाद यहाँ पर लोडिंग चलेगी, आपके फ़ोन के जितने भी ऐप्स हैं वो सारे आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर वो एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है जो भी आप ढूंढ रहे थे, वो देखना है कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि नहीं। अगर आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलता है तब आपको क्या करना वो भी समझिए। तब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप देखते हो 3 डॉट का, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और रीसेट ऐप परफॉर्मेंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो एप्लीकेशन आपके जितने भी फ़ोन में वो सारे जो कि दोबारा से रन होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो भी अभी चल रहे हैं आपके बैकग्राउंड में वो सब बंद हो जाएंगे। जो भी परमिशन वगैरह आपने दी थी सबकी परमिशन हट जाएगी एक ही क्लिक में। जब आप एप्लीकेशन किसी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वहाँ पर आप जैसे नया एप्लीकेशन ओपन करते थे जैसे परमिशन मांगता था, सेम उसी तरीके से आपसे परमिशन वगैरह मांगेगा, ठीक है। तो एक तो आप ये कर लेना, और हालांकि आपका जो डाटा रहेगा वो आपका सेव रहेगा, डाटा आपका क्लियर नहीं होगा, आपका जो भी डाटा है फोटो वीडियो या फिर जो भी आपने सेटिंग वगैरह की एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपका डाटा वो सब आपका सेफ रहेगा। तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं इसमें से आपके कौन सी काम आई है वो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर सॉल्व हो गए तो भी मुझे बता देना ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी इस वीडियो से कितने लोगों की हेल्प हुई है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना।